इंजीनियर्स आज जानते हैं कि बिल्डिंग के कौन से एलिमेंट की कौन सी हाइट होनी चाहिए। जैसे बात करें प्लिंथ हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद सील बैंड या सील लेवल किस लेवल पे होना चाहिए, उसके बाद बात करें लिंटल लेवल क्या होना चाहिए, साथ ही साथ एक घर की हाइट कितनी होनी चाहिए, एक स्टोरी की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद पैरापेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद ये भी जानेंगे स्टेयर की इसकी विड्थ कैसे डिसाइड करती है, पूरा इसी वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल गुड, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गोजी। आज बात करने वाले डिफरेंट हाइट्स की, बिल्डिंग के कौन से एलिमेंट्स की क्या हाइट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं प्लिंथ हाइट की, कि प्लिंथ हाइट कितनी होनी चाहिए और ये प्लिंथ हाइट होती क्या है ये भी समझते हैं। प्लिंथ हाइट इन जनरली अपन लोग 450 टू 600 के आसपास रखनी चाहिए। अब जनरली बिल्डिंग में आप देखे होंगे 900 mm रखते हैं। अब कई कंडीशन आया कि एकदम मिनिमम देना है, मुझे प्लिंथ देना ही नहीं है, तो भी आपको 150 की प्लिंथ देनी ही चाहिए। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपके घर में बाहर से पानी उल्टा ना आ जाए। मेन कंटेंट होता है मॉइस्चर का, मॉइस्चर या फिर वाटर फ्लो आपका उल्टा ना आ जाए, घर के अंदर ना आ जाए, उसके लिए अपन लोग इस चीज़ को करते हैं। समझते हैं क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल से जितना आपने सरफेस ऊपर करके अपने घर की बनाई है, उस हाइट को अपन लोग प्लिंथ हाइट बोलते हैं। जो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ दिख रहा है, इन दोनों की हाइट के गैप को अपन लोग प्लिंथ हाइट बोलते हैं। अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं, सील लेवल या सील हाइट या विंडो सील लेवल। अब ये क्या हो रहा है, विंडो के जो बॉटम की लेवल है, आपका जो विंडो है उसका बॉटम लेवल, इसको बोलते हैं सील हाइट। अब इसकी क्या ज़रूरत है और ये कहाँ पर चेंज होता है, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर से। सबसे पहले आपके रूम के क्राइटेरिया, कि आपका बेडरूम है, स्टोर रूम है कि क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग हाइट होती है। साथ ही साथ ये अपने आर्किटेक्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है। आजकल आर्किटेक्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत कम करते जाते हैं। इन जनरल की बात करें तो बेडरूम या फिर बाथरूम की बात जब होती है तो 1.1 मीटर के हाइट पे रखते हैं इसको। साथ ही साथ कहीं अपन लोग इन जनरल रूम की बात करें तो 600 टू 650 होता है, और ये हाइट कभी भी चेंज हो सकती है डिपेंड अपॉन अपने कंडीशन के हिसाब से, कि जैसा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से उतना नीचे कर सकते हैं। अब लिंटल लेवल की हाइट चेंज नहीं होती, ये स्टैंडर्ड टाइप होती है। ये डिपेंड करता है आपके कमर्शियल बिल्डिंग है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहा तो 7 फुट अपन लोग इन जनरल जो 2.1 मीटर होता है, साथ ही साथ कमर्शियल रहा तो 60 फुट 6 इंच। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा बड़ी कर देते हैं, 2.3 मीटर। अब इन जनरल ये करना चाहिए, कई बार होता है कि कमर्शियल बिल्डिंग में भी अपन लोग 7 फुट यूज़ करते हैं, वो भी चल जाएगा। इस हाइट को समझने के लिए आपके जो डोर विंडो के ऊपर वाली हाइट है उसको ये बोला जाता है। अब इसका अलग अलग नाम भी होता है, जैसे लिंटल लेवल हो गया, डोर लिंटल लेवल हो गया, साथ ही साथ विंडो लिंटल लेवल हो गया, सबका मतलब एक ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कि आपका एक फ्लोर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अब एक घर का फर्स्ट फ्लोर बस बनाने, एक फ्लोर बनाने, तो उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए। इन जनरल हमें 3 मीटर से 3.6 मीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब इसका कहीं मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 4 मीटर तक जाता है, उससे ज़्यादा हमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में नहीं लेके जाना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं पैरापेट की। पैरापेट क्या हो रही, आपके घर में जो छत है या टेरेस है वहाँ पर जो अपन लोग पैसेज लगाते हैं, जिससे बैरियर लगाते हैं, जिससे अपन लोग गिरे ना या फिर एक आसान रहे, तो उस चीज़ को पैरापेट बोल रहे हैं। तो उसकी हाइट आपको मिनिमम रखनी चाहिए 3 फीट। 3 फीट का मतलब क्या हो गया, 900 mm। ये इन जनरल है, इसको भी कम थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इसकी थिकनेस कम से कम 200 mm रखना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं 9 इंच। इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं आपके पार्किंग की, कि पार्किंग जब बना रहे हैं तो क्या उसको ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर करना जरूरी है, और कहीं जरूरी है तो कितना ऊपर करना चाहिए। मिनिमम आपको 15 सेंटीमीटर ऊपर करना चाहिए। अब ये क्यों कर रहे हैं, मेन पर्पस है ड्रेनेज का, कि आपके जब रेन वाटर होगा या कुछ और करने के कारण पानी आया तो वह बाहर तरफ आसानी से जा सके, इसके कारण कम से कम अपन लोग को 15 सेंटीमीटर का रखना चाहिए। अब ये मिनिमम है, अपन लोग इसको और ज़्यादा रखते हैं। अब बात करते हैं फुटिंग की, कि सिंगल फ्लोर है आपका, एक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का आप घर बना रहे हैं, तो आपको मिनिमम फुटिंग की डेप्थ कितनी देनी चाहिए, 1 मीटर देनी ही चाहिए, उससे नीचे ही वो आपकी फुटिंग होनी चाहिए। इन जनरली ये अपन लोग जब देखते हैं तो 1.2 टू 1.5 के आसपास आता है। अब कहीं दो स्टोरी है तो बोला जाता है 1.2 तो आपको मिनिमम डेप्थ देना ही चाहिए, परंतु प्रैक्टिकली देखें तो 1.5 की ज़्यादा डेप्थ जाती है। अब इसके बाद आते हैं स्टेयरकेस की रेलिंग दिख रही है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ये हाइट को अपन लोग समझ सकते हैं, जैसे पैरापेट की हाइट हो रही थी 3 फुट अपन लोग बोले थे। 3 फुट क्यों बोले थे, क्योंकि वहाँ पर डेंजर ज़्यादा हो जाता है, कि वहाँ पर पैरापेट खत्म हो रहा है तो उसके बाद एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी उसी के आसपास, जो कि है 850 से 950 mm तक। अब बात करें विथ ऑफ स्टेयरकेस की, कितनी विथ होती है। हर जगह अलग अलग विथ होती है, जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अलग विथ होती है मिनिमम,
अब बात करें कमर्शियल में, कमर्शियल में भी अलग अलग, आप इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं, तो उस हिसाब से सबके अलग अलग। इसका पूरा का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अपन तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले रेजिडेंशियल बात करते हैं। तो रेजिडेंशियल में भी लो राइज बिल्डिंग जिसकी हाइट कम है, G+1 G+2, तो उसमें आपको 0.9 का रखना ही चाहिए। अब इसके बाद कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में उतनी जगह ही नहीं है कि मैं 0.9 मीटर रख सकूं। तो कई कई जगह जहां पर 50 मीटर स्क्वायर से छोटा घर है, मतलब 500 स्क्वायर फीट से के आसपास का घर है, तो वहां पर आप 0.75 मीटर भी रख सकते हैं। अब उसके बाद अदर कमर्शियल बिल्डिंग, जो भी आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहती है, वहां पर आपको 1.25 तक रखना चाहिए, जो थोड़ी सी बड़ी हो जा रही। उसके बाद बात करें अपन लोग ऑडिटोरियम, जहां पर चीज़ें लोग ज़्यादा आने, तो वहां पर आपको विड्थ बढ़ा देनी चाहिए 2 मीटर तक। उसके बाद बात करें होटल्स में, होटल्स में क्या हो रहा है, वही हो रहा है, जनता ज़्यादा हो जा रही है, तो उसके कारण वहाँ पर भी आपको 1.5 तक रखना चाहिए। अब उसके बाद और की बात करें हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स में आप देखे होंगे कि कई बार चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर भी अपन लोग को विड्थ ज़्यादा रखना पड़ता है 2 मीटर तक। जहाँ एजुकेशनल बिल्डिंग की बात आ रही है, वहाँ पर 1.5 मीटर तक आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको अलग अलग लेवल की हाइट समझ में आई होगी, साथ ही साथ इसको किस तरीके से अपन लोग को यूज़ करना है वो समझ में आएगा। कहीं अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।